तो हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का एक और मजेदार इंटरेस्टिंग लेक्चर में स्वागत है सभी बच्चों अलग अलग चीजें लेकर आ रहा हूं मैं ताकि आपको जो चीजें जो है टफ लगती है वो आसान लगने लगे जिसको लगता है मैथ से डर उसके लिए करना है मैथ्स को आसान चलो फटाफट कनेक्ट हो जाओ बच्चों यस गुड इवनिंग एवरीवन गुड इवनिंग एवरीवन यस थ के जो बच्चे हैं उनके लिए कल से रेगुलर लेक्चर आ जाएगा स्टार्ट हो रहा है ओके और साथ ही एक लव्य के भी लेक्चर शुरू हो रहे हैं कल से कनेक्ट हो जाओ आज क्या करने वाले हैं सर बेटा आज हम सीखेंगे ट्रिगोनो जान की मोटरी ट्रीगोनो चलो देखो यहाँ पर बिल्कुल वन शॉट लेक्चर होने वाला है ये एक ही लेक्चर में बहुत सारे फॉर्मूले जो है मैं आपको सारे के सारे फॉर्मूले आपको एक ही लेक्चर में कवर करके देने वाला हूं oh. ओके सो so, अगर आप टेंथ में हो लेवेंथ में हो ट्वेल्थ में हो तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है सब कुछ एकदम आसान करके अच्छे से आपको देने वाला हूं ठीक है यस यस चलो आ जाओ जो सक्सेस स्टूडेंट है हमारे इलेवेंथ के कल से आपके इलेवेंथ के लेक्चर आ जाएंगे के लेक्चर आ जाएंगे कल से ठीक है सर ब्राइटनेस बहुत ज्यादा कम एक बार देखना यहां से चलो 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ देखो बच्चों यहां पर आपको बता दूं जो बच्चे महाराष्ट्र बोर्ड के हैं आपके लिए क्लास ट्वेल्थ के साथ साथ क्लास इलेवेंथ एंड टेंथ के लिए नून ऐप का ऐप के ऊपर बिल्कुल फ्री लेक्चर सीरीज चालू है ओके फ्री लेक्चर सीरीज चालू है आप अगर ट्यूशन या कोचिंग नहीं जाते तो आप अगर दसवीं में हैं ग्यारहवीं बारहवीं आपके भाई बहन हैं उनको जरूर बताओ ये उनके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हो रहा है मैं खुद यहाँ पर ट्वेल्थ के बच्चों को सिखाता हूँ और मेरे जैसे बहुत सारे टीचर यहाँ मस्त पढ़ा रहे हैं सीरीज में पढ़ा रहे हैं ट्यूशन जैसा ओके okay. करना है आपको गूगल प्ले स्टोर से नून ऐप डाउनलोड उसके बाद ग्रुप्स को साइन अप करके जो है आप किसी भी टीचर का रेगुलर जो है ज्वाइन कर सकते मैं छः से सात और चार से पाँच बारहवीं के बच्चों को मेरे दो लेक्चर्स होते हैं ये मेरा टाइम है तो आप भी सीख सकते हो बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर्स यहाँ पर पढ़ा रहे हैं ट्रीगोनोमेट्री एक ऐसा मैथ्स का एक पार्ट है जिससे सबको डर लगता है बार बार तो यार ये टेंथ में भी था लेवेंथ में भी है ट्वेल्थ में भी है तो बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर मुझे ये टफ लगता है तो बहुत से बच्चों को ईजी भी लगता है लेकिन वो फॉर्मूले भूल जाते हैं बार बार यहाँ पर ले, इस लेक्चर में हम क्या करेंगे ओके okay, इस लेक्चर में आपको जो इस ट्रीगो से डर लगता है उस डर को निकाल के फेंक देंगे बाहर आप भूल जाते हो बार बार गजनी बन जाते हो तो आपके अंदर के गजनी की आत्मा को भी निकाल के फेंक देंगे कुछ इस तरीके से चीज़ें बताऊंगा कि कंसेप्ट समझ में भी आएगा फॉर्मूले याद भी रख पाओगे और फॉर्मूले बनाना भी सीख जाओगे क्या ये पॉसिबल है बिल्कुल ये पॉसिबल है हमारे इस लेक्चर में ऐसे तो मैंने सारे चैप्टर वाइज सब कुछ पढ़ाया ही है टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ लेकिन यहाँ पर सिर्फ चैप्टर ही नहीं तो आप कभी भी किसी भी लेवल में जाओगे इंजीनियरिंग में भी चले जाओगे तो ये रहता ही है तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी ठीक है तो चलो शुरू करते हैं इसके नाम से नाम है इसका ट्रिगोनोमेट्री ट्री गो नो में ट्री अब इसके नाम को ही हम है ना पहले तोड़ देते हैं तोड़ के मरोड़ देते हैं कैसे तोड़ेंगे कैसे मरोड़ेंगे देखो बेटा यहां पर आपको बताना चाहूंगा यहां पर ये जो दिख रहा है यहां पर एक मिनट थोड़ा सा कम कर दिया जाए ये देखो ये दिख रहा है ट्राई ट्राई मतलब होता है थ्री ट्राई मतलब थ्री गोनो गोनो मतलब होता है साइड ओके ओके साइड्स और मेट्री का मतलब होता है मेजर सबसे पहले तो इसके नाम से शुरुआत कर दें जब हम कभी तीन साइड्स तीन भुजा या तीन बाजू का मेजर करते हैं मापते हैं तीन भुजाओं को तो उससे बोलते हैं ट्रिगोनोमीट्री नाउ थ्री साइड्स कहाँ पर होते हैं कौन सा ऐसा फिगर है जहाँ पर थ्री साइड्स होते हैं बच्चों तो बिल्कुल एक ऐसा ट्राइंगल जो होता है उसके अंदर थ्री साइड्स होते हैं वन टू थ्री साइड्स तो इन थ्री साइड्स के मेजरमेंट का जो प्रोसेस होता है अब ये साइड्स के साथ साथ एंगल्स भी आ गए यहाँ पर तो उसका जो रेशियो होता है मेजर होता है उसमें जो हम लोग हैं। तो ये थ्री के से रिलेटेड जो भी मैथोनोमेट्री बोलते हैं तो ये ट्रिगो का बेस हो गया अब क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई होगा सबसे इंपॉर्टेंट ये है क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई होगा या किसी भी ट्राइंगल में होगा इसको हम लोग है ना बेटा फिलहाल तो बेसिकली हम राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई करते हैं लेकिन अगर कोई ट्रैंगल राइट एंगल नहीं है तो उसमें भी हम ट्रिगो अप्लाई कर सकते हैं ओके okay, लेकिन मोस्ट ऑफ राइट एंगल के अंदर ही अप्लाई करना ये जो ट्रिगोनोमेट्री है उसके कुछ हथियार होते हैं कुछ टूल्स होते हैं कौन से हैं सर वो टूल्स हमें भी बताओ यस yes, मैं आपको भी बताऊंगा कि इसके टूल्स कौन से है। <kuh> देखो बच्चों जैसे आपको पता है कि जब कोई युद्ध शुरू होता है वॉर शुरू होता है पहले जमाने में घोड़े पे बैठ के जाते थे तलवार लेके जाते थे भाला लेके जाते थे और लड़ाई चालू हो जाती थी अभी के जमाने में ना बंदूक लेके जाते हैं के फोर्टी सेवन था बॉम्ब भी लेके उड़ा डालते हैं एकदम न्यूक्लियर बॉम्ब भी आ गया अभी डायरेक्ट मिसाइल से या एरोप्लेन से उड़ा के गिरा देने का है ना यूएस जापान के हीरो से गिराया था ऐसे तो वैसे ही जब कुछ ऐसे होता है ना वैसे ही ट्रिगो के पास भी अपने खुद खुद के कुछ हथियार होते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रीगोनोमेट्रिक रेशियोज कौन है तो जान होते हैं साइन एक होता है को साइन एक होता है साइन एक होता है, एक होता है आ, समझो कि टेंजेंट साइन टेंजेंट ओके सीकेंट ये मेन तीन होते हैं हथियार साइन टेंजेंट और सीकेंट ये तीन ऐसे हथियार होते हैं ओके okay. <coughs> ये तीन ऐसे हथियार होते हैं जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जैसे होता ना कोई बॉस है उसके राइट हैंड लेफ्ट हैंड होते हैं तो ये तीन मेन ऐसे हथियार हैं ट्रिगो के जिसको हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अब होता क्या है होता यह है कि ये अगर जो है एक मिनट इसके अंदर ही अगर समझो ये साइन है बच्चों इस साइन के पहले मैं को लिख दूं तो ये को साइन हो जाता है ये टेंजेंट टेंजेंट है इसके पहले को लगा दो ये ये हो गया है इसके तो को सिक तो जनरली जो ये ट्रिगोनोमेट्री होता है बेटा इसके अंदर एक दो तीन चार पांच और छ इस तरह से छह छोमेटिक रेशियोज होते हैं और यही छह लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अब आप बोलोगे सर ये तो नाम हमने सुने नहीं है तो बेटा ये फुल नेम होते हैं इनका एक शॉर्ट नाम होता है जो मैं आपको बताने जाता हूँ जैसे राजेश का नाम राजू होता है गणेश का नाम गन्या होता है प्रकाश का नाम पकिया होता है वैसे इन सभी के शॉर्टकट नेम्स होते हैं जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा शॉर्टकट नेम बोले तो कैसे साइन का सबके पहले तीन अक्षर लेना एस आई एन साइन टी एन टेन हो गया ओके सीओ टी कॉट ओके एसई सी तो पहले से कॉस है तो सीओ एसई सी लेते हैं यहां पर सेक तो यहां पर आपने देखा कि छह ट्रिकोनोनिक फंक्शन होते हैं जिनका इस्तेमाल हम करने वाले हैं उनके पूरे फुल नेम ये है उनका घर का नाम या शॉर्टकट नेम ये है ये लोग है ना रेशियो है फंक्शन है ट्रिगोनिक फंक्शन हम इसको बोल सकते हैं इनके बाद किसी एंगल को लिखना पड़ता है या तो थीटा इसको देखो इसमें बेसिकली हम लोग ये जीरो होता है जीरो में ऐसे करेंगे थीटा हो जाता है तो जनरली हम लोग थीटा अल्फा बीटा ऐसे या ए बी सी डी भी यूज कर सकते हैं तो उस हर एक के आगे कुछ ना कुछ एंगल होना चाहिए जैसे कि मैं अगर साइन लिख रहा हूं तो सिर्फ साइन लिख दिया तो उसकी कुछ वैल्यू नहीं होगी उसके आगे एक्स हो वाई हो ए बी सी डी हो ऐसे कोई ना कोई एंगल हो तब ये मीनिंगफुल होता है तो इस तरह से बच्चों छह ट्रिगोनामेटिक फंक्शन होते हैं बिल्कुल ए बी सी डी से स्टार्ट किया मैंने एकदम बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ जरा भी टेंशन मत लो सब कुछ आ जाएगा ये छह ट्रिगोनोटिक फंक्शन होते हैं और इनका आपस में रिलेशन होता है किसी भी ट्राइंगल के अंदर आओ चलो बात करते हैं ट्राइंगल के अंदर इनके बारे में यहां पर अगर समझो कोई ट्राइंगल है बच्चों इस तरह से सपोज दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल ये राइट एंगल ट्राइंगल है मान लो इसका नाम ए बी और सी है इसके अंदर एक 90 डिग्री का एंगल है राइट right एंगल है दो एंगल एक्यूट एंगल होते हैं एक्यूट एंगल का मतलब जो 90 से कम होते हैं न्यून कोण होते हैं मराठी अपन लघु कौन असम तो इसमें से कोई एक अक्यूट एंगल का नाम हम थीटा दे देते या सी रख सकते या ए रख सकते अब ये जो थीटा है उसके लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम निकाल सकते हैं कैसे एकदम बेसिक से बता रहा हूं जिसको कुछ नहीं आता ना वो भी सीख जाएगा जिसको अगर ये सब आता है तो ध्यान से देखते रहो धीरे धीरे एडवांस लेवल होगा आपको सब मालूम पड़ेगा आगे भी पूरा बताऊंगा जीरो टू थाउजेंड सब बताऊंगा अब होता क्या है कि यहाँ पर ये जो नाइन्टी डिग्री के सामने की साइड होती है इसको हाइपोटेनिस बोलते हैं बच्चों हाइपोटेनिस यानी कर्ण बोलते हैं हिंदी मराठी में इंग्लिश में हाइपो बोलते हैं ये जो थीटा होता है इसके सामने वाली साइड को बोलते हैं अपोजिट साइड अपोजिट मतलब होता है मराठी तो अपन मनते मतलब हो समोरची बाजू हिंदी में बोलते हैं सम्मुख भुजा ये जो थीटा होता है इसकी जो ये जो एकदम जॉइंट वाला एडजेसेंट साइड है इसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं ये हाइपोटेनिस है हो गया ये अपोजिट हो गया ये एडजेसेंट साइड हो गया इसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं संलग्न हमारा हिंदी में बोलते हैं संलग्न भुजा मराठी में बोलते हैं लगत ची बाजू इंग्लिश में बोलते हैं साइड तो आप जिस भी मीडियम में हो टेंशन मतलब इंग्लिश में याद रखो साइड साइड फॉर दिस अगर मैं ये एंगल पकड़ूंगा ए तो ये हाइपोटेन्यूस हमेशा यही रहेगा हमेशा 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होता है ये जो एंगल है इसके सामने वाला ये अपोजिट हो जाएगा अपोजिट और ये क्या रहेगा ये एडजेसेंट हो जाएगा तो ये कुछ बदलाव होते हैं अब होता क्या है ये जो भी ट्रिगोनामेटिक रेशियोज है इनके लिए कुछ ना कुछ फॉर्मूले होते हैं जैसे कि साइन थीटा इसका फॉर्मूला क्या होगा आओ चलो देखें साइन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस आपने याद किया था पहले भी याद करो कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज इस तरीके से फिर टेन थीटा होता है टेन थीटा होता है ओ अपॉन ए अपोजिट अपॉन एडजेसेंट तो इस तरीके से हर एक ट्रीगोनोमेटिक फंक्शन के लिए एक फॉर्मूला होता है इनके लिए होता है क्या हाँ इनके लिए भी होता है लेकिन ये जानने के पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जाननी पड़ेगी इनके बीच का रिश्ता ये रिश्ता क्या कहलाता है तो आओ हम सीखेंगे कि यह रिश्ता क्या कहलाता है बहुत प्यार से बच्चों देखो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा साइन थीटा थीटा ये लाइन से आपको याद कर लेना चाहिए लाइन से साइन कॉस्ट एन कॉट से अरे साइन टैन साइन कॉस टैन कॉट से इस तरह से आपको जो है एकदम लाइन से इसको याद कर लेना चाहिए ये छे जो भाई है इनको इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों कि साइन का जो भाई होता है वो कोसेक होता है ऐसे याद रखना और कोसेक का भाई साइन होता है कौश का भाई सेक होता है और शेख का भाई कौश होता है टेन का भाई कॉट होता है कॉट का भाई टेन होता है ठीक है एकदम ध्यान से देखना ये क्यों बता रहा हूं तो साइन और एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे साइन थीटा है इसको हम वन cosec थीटा लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है साइन थीटा होता है वन cosec थीटा क्यों? साइन cosec का भाई है इसलिए हमने लिख दिया तो क्या कोशेक भी तो साइन का भाई होगा तो क्या कॉशे को, को हम वन अपॉन साइन लिख सकते हैं यस yes, हम लिख सकते हैं वन अपॉन साइन किसका भाई होता है सेक थीटा का तो कॉस को हम लिख सकते हैं वन अपॉन सेक थीटा ओके okay. तो अगर कॉस को वन अपॉन सेक लिख सकते हैं कॉस का भाई सेक है तो सेक का भाई भी कॉस होगा तो सेक को हम ये लिखेंगे वन अपॉन कॉस लिख सकते हैं हाँ भाई आप लिख सकते हो

अच्छा अभी इन्हीं के लिए मैं वापस से आपको बताना चाहूंगा एकदम ध्यान से वापस से देखिए <coughs> यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपको याद रखना है साइन थीटा थीटा टेन थीटा कॉट थीटा ये लाइन से नाम याद रखना है जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही ठीक है तो अभी इसके पहले जो ट्राइंगल था यहाँ से हम देखते हमने देखा इस ट्राइंगल के अंदर जो साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनिस होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनिस तो इस ट्राइंगल की भाषा में कहेंगे तो आपने टेंथ में सीखा भी है जो टेंथ में नहीं भी सीखा होगा तो साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपर लेकिन साइन का भाई कौन है बच्चों कोशिक तो कोशिक क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल ये ओ अपॉन एच है तो एच अपॉन ओ हो जाएगा एच फॉर हाइपर जो नाइनटी के सामने होता है ओ फॉर अपोजिट सबमुखा थीटा होता है ए अपॉन एच तो ये जो सेक टीटा है, ये जो क्या हो जाएगा इसका उल्टा एच अपॉन tan हमने क्या सीखा था ओ तो जाएगा ए अपॉन ए का उल्टा A upon A. तो ये हम लोगों ने देखा कि अगर छह ट्रिकोनोमेटिक फंक्शन है या इसके जो रेशियोज है वो ऐसे किया जाता है ओके okay. कौन <coughs> तो बोल रहा है क्या बोल रहा है हर्षल बोलता है जाने दो भाई इस क्यों जाने दो भाई बेटा आपको सब सिखाने वाला हूं आपको लग रहा होगा कि आप टें का सिखा रहे ऐसा नहीं है ये टेंथ का शुरू हुआ है अभी का 12th का ट्रिगो आएगा आएगा एक ही लेक्चर में पूरा ट्रिगो होने वाला है कोई छोड़ के भागना मत ओके पहले ही हिम्मत हार लेते हो पहले ही हिम्मत हार लेते हो ओके श्रवणी बोल रही है इलेवेंथ की टीचिंग आपने स्टॉप की नहीं बेटा कल से चालू होगा सीरीज ठीक है चलो अब देखो यहां पर ये यह हो गया ये आपको याद रखना इसके कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स है बहुत सारे ट्रिक्स आपको याद होंगे आपके टीचर ने बताए होंगे मैं एक शॉर्टकट बताता हूं ओ ओ ए इस तरह से आप याद करके रख सकते हो ओके okay. जैसे कि समझो किसी को मूंगी काट रही है ओ आ ओ ए तो ये एक छोटा सा ट्रिक है कोई बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है उससे याद करके रख सकते हो ये तीनों अगर आपको याद रह गया तो ये साइन का भाई है अगर साइन ओ है तो कोशे को ऐसे हो सकता है ओ आ ओ ए तो ये बेसिक चीजें होती है यहां पर जो मैंने बताया कि अगर किसी ट्राइंगल में कोई एंगल ए है तो यहां से देख लो साइन क्या होता है अपोजिट अपॉन कॉस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटे टैन होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट अब यहां पे ये रिलेशन देखो जो मैंने अभी आपको बताया कि वन अपॉन साइन कोसेक होता है दोनों भाई होते हैं तो यहां पर अगर ये साइन को इस तरफ लेके जाओगे तो साइन और कौशिक का मल्टीप्लाई किया तो वन आता है मतलब रिश्ते से रिश्ता जुड़ते जाता है एक रिलेशन से दूसरा रिलेशन आएगा वन अपॉन कॉस ये सेक है तो कॉस और सेक का मल्टीप्लाई किया तो आंसर वन आएगा वन अपॉन टेन कॉट होता है अभी मैंने पीछे सिखाया था ये टेन और कॉट का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वन आएगा ये सारी बेसिक चीजें जो आपको याद रखनी चाहिए ओके अभी ये टेबल की बात करते हैं हम लोग ट्रीगोनोमेटिक टेबल जैसे कि यहां पर बेटा आपको दिख रहा होगा ये साइन, साइन में इस तरह से ये टेबल तो बहुत से बच्चों को ये टेबल याद नहीं रहता तो आओ चलो मैं टेबल आपको बनाना सिखाता हूँ बहुत से बच्चों को टेबल आता भी होगा आपको भी आता भी होगा तो भी ध्यान से देखना बेटा ओके आता भी होगा तो भी ध्यान से देखो सारी चीजें बता रहा हूं कोई भागेगा नहीं कुछ बच्चे भग गए हैं कि सर तो एबीसी है सोच के आए थे इंजीनियरिंग सिखाएंगे सर तो दसवीं सिखा रहे ऐसा नहीं है बेटा नवी दसवीं नहीं है याद रखो है ना प्यार मोहब्बत से देखो पांच दस मिनट में अभी ग्यारहवीं में पहुंच जाएंगे आप ओके मिनट में सेक को सेक। इस तरीके से ये होता है बेटा हम्म ये अभी हम टेबल कर रहे हैं यहां पर जीरो के लिए लोगे थर्टी के लिए लोगे फोर्टी फाइव सिक्सटी नाइन्टी और फाइनली एक सौ अस्सी के लिए भी आपको सिखाऊंगा ओके तो आप बोलोगे सर वन एटी तो हमने टेंथ इलेवंथ में सीखा नहीं था तो ठीक है ना आप सीख लेंगे कैसे किया जाए देखो अभी मुझे साइन की वैल्यूज लिखनी है बच्चों साइन की वैल्यूज लिखनी है क्या आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहा होगा हमने ब्राइटनेस कम रखा है देखो यहाँ पर आपको करना क्या होता है ये करने के लिए आपको गिनती लिखनी चाहिए जीरो एक दो तीन चार जीरो से लेके फोर तक काउंटिंग लिखना चाहिए और सभी को फोर से डिवाइड करने का बच्चों जीरो से चार तक गिनती लिख के सबको चार से डिवाइड करना जो कटता है उसको काट दो टू वन जा टू 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 जा फोर फोर वन जा फोर ओके इस तरीके से बाद में सबका स्क्वायर रूट ले लो जो कटता है काट के सबका स्क्वायर रूट ले लेना जीरो अपॉन का स्क्वायर रूट जीरो वन का स्क्वायर रूट वन फोर का टू One का one, का रूट 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 नहीं आता तो पहले हम जीरो से, तो से लेके गिनती लिखी सबको तो फोर से डिवाइड किया चार से और बाद में स्क्वायर रूट ले लिया ठीक है अब क्या करेंगे देखो कॉस जो ग्यारहवीं के बच्चे टेंशन लो आपको कल से लेक्चर आने वाले हैं ठीक है थीके? आप देखो ये जीरो से लेके वन यहाँ तक था इसको कॉस्ट लिखने के लिए उलट देने का ये जीरो से वन है ये आगे पीछे करने वन को यहाँ लाओ रूट थ्री बाई टू यहाँ रहेगा ये वन बाई रूट टू है यहाँ पर ये वन बाई टू है और ये जीरो है टेन को क्या करेंगे सर तो बच्चों टेन लिखने के लिए हम क्या करेंगे साइन अपऑन कॉस्ट करते हैं जीरो अपॉन वन जीरो अपॉन वन जीरो 1 upon 2 upon root 3 by 2 दोनों का बेस 2 कट हो जाएगा 1 upon root 3 1 upon root 2 upon 1 upon root दोनों कट के 1 आएगा दोनों के नीचे के 2 कट के root 3 upon 1 आएगा 1 upon 0 किसी के upon में 0 आता है तो वो नॉट डिफाइंड आता है इस तरीके से तो अब ये तीनों आ गए तो क्या करेंगे कॉट सेक और कोसेक कैसे निकालोगे तो बिल्कुल इसका उल्टा कर देंगे आपको अगर ये पूरा टेबल याद ना रहे ये तीनों याद रहे तो भी चलेगा सिर्फ साइन कॉस्ट और टेन के ऊपर आप पूरा सब कुछ कर सकते हो साइन कॉस्ट टेन के ऊपर आप पूरा अगर ये तीन याद रहे साइन कॉस्ट टेन की वैल्यू तो सब आपको आ जाएगा सब आ जाएगा ओके अब जैसे कॉट है तो ये टेन का उल्टा रहेगा जीरो जीरो अपॉन वन का उल्टा रेसी प्रोकल जीरो अपॉन वन का रेसिप्रोकल वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी या तो ये टेन है इसको उलट देना है ऐसा इन्फिनिटी रूट थ्री वन ये इधर आ जाएगा ये इधर आ गया ऐसे समझ में आया ये जीरो है इस तरीके से हम कर सकते हैं सेक क्या होगा कॉस का उल्टा जैसे ये सेक वन है वन अपॉन वन वन ये उलट दे कर दो नॉट डिफाइन ओके टू रूट टू टू अपॉन रूट थ्री एंड वन ये हो गया ये तो हो गया अभी वन एटी कैसे याद रखने का वन एटी याद रखने का माइनस वन होता है ये याद रखना स वन एटी माइनस वन होता है साइन वन एटी जीरो और टेन वन एटी भी जीरो याद रखा साइन और टेन एक सौ अस्सी का जीरो जीरो होता है कॉस वन एटी माइनस वन होता है अभी देखो याद रखना है कट तो ये टेन का रेसिप्रोकल ये जीरो है जीरो अपॉन वन है मतलब इसको उल्टा करोगे तो वन अपॉन जीरो इनफिनिटी याद आएगा माइनस वन है माइनस वन अपॉन वन है उल्टा करोगे तो वही माइनस वन आएगा फिर कोसेक कोसेक साइन का ये जीरो अपन वन है तो ये भी इस तरीके से तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री टेबल अगर आपको नहीं आता था इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसको बनाना सीखो इसको याद रखना है नहीं भी याद होगा स्टार्टिंग के तीन याद रखना है साइन कॉस्ट बेटा एकलव्य का देखो कल से इलेवेंथ और एकलव्य आना चालू हो जाएगा तुम यहां पर आके दूसरे लेक्चर में सभी बच्चे मेरे को बहुत गुस्सा आता है इलेवेंथ के और सी के बोलते हैं ट्वेल्थ के की सर हमारा लेक्चर कब आएगा और जब मैं पढ़ाता हूँ तो वो बच्चे आते नहीं है और जब दूसरा कुछ लेक्चर लिया जाए तो वहाँ पर आके पूछते हैं कि सर हमारा लेक्चर क्यों नहीं आ रहा है आप आओगे तो आएगा ना यार आप लोग खाली मेरे को काम पे लगा के छोड़ देते हो तुम अपना पढ़ाते रहो हम बाद में देख लेंगे तुम लेकिन पढ़ा के रखो ताकि हमको आप बाद में ढूंढना ना पड़े तो भाई मैंने पढ़ा के रखा ही है ना अगर आपको ऐसा है तो चैनल पर जाओ एम एस टी सी टी ग्यारहवीं बारहवीं दसवीं सब पढ़ाया जाके पढ़ो ना मुझे मेहनत मत करवाओ अगर आप चाहते हो मैं मेहनत करूं तो आप मेरे टाइम पर आओ जो मैंने टाइम टेबल दिया है उस टाइम टेबल समझ तो में आ रहा है तो ऐसा एक हाथ से ताली मत बजाओ और आप चाहते हो तो एक अच्छे तरीके से लाइव में आओ इंटरेक्टिव तरीके से सीखना चाहते हो मजा आएगा करेंगे तो आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए नहीं तो मतलब नहीं है यार आप सोचते हो कि दीने सर तुम पढ़ाते रहो सबा पढ़ा के रख दो बाद में मेरे को जब सीखना होगा तो मैं आके देख लूंगा तो है ना चैनल पे बेटा देख लो आप टेंशन मत लो हाँ ये है कि मैं कल से चालू कर रहा हूं फिर से प्लीज आप लोग अच्छे से रिस्पॉन्स देना आना ताकि वो अच्छे से चले अभी हम लोग आगे देखेंगे सभी मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो यार ट्रिगोनोमेट्री <coughs> के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट तीन फॉर्मूले होते हैं ट्रीगोनोमेटिक आइडेंटिटीज के जिनको हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पहला फॉर्मूला ये है दूसरा तीसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं यार ओके okay. इन तीनों फॉर्मूले के ऊपर ही बहुत सारे प्रूफ जो होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं चीजें आसान हो जाती है और आपने याद करके रखा होगा ओके साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन होता है एग्जैक्टली exactly क्या कहना चाहते हैं बेटा एक साइन है और एक कॉस है इन दोनों को अगर स्क्वायर कर दिया जाए समझ तो है दोनों को स्क्वायर कर दिया जाए और दोनों को प्लस कर दिया जाए तो आंसर वन आता है आंसर वन आता है यहां पर एक से इसको हम सिक्को याद रख सकते हैं सिक्को सिक्को साइन कॉस देखो छह जन है साइन कॉस्टैन कॉट सेन कॉट से कोसेक। को इस तरह से आप छह जन को याद रखो उन छह जन के बीच में ही पूरा फुटबॉल मैच होने वाला है पूरा ये छह जन के बीच में तो साइन और कॉस के दोनों की शेंडी में टू लगा के प्लस करते हो मतलब साइन स्क्वायर प्लस वन आता है वैसे ही अगर प्लस करते हो एक वन प्लस टेन स्क्वायर होता है ओके वैसे ही वन में कॉट स्क्वायर प्लस करते हो तो तो ये 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 होता होता है है तो इस तरीके से ये तीन तीन को याद रख सकते। ये तीन जो है इन तीन फॉर्मूले से और बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हो जैसे कि आओ मैं आपको बताता हूं देखो ये साइंस स्क्वायर थीटा प्लस है यहां से मैं एक फॉर्मूला आपको बना के देता हूँ पहला कि अगर आपको चाहिए कि मुझे साइंस स्क्वायर का फॉर्मूला चाहिए तो क्या करेंगे <coughs> तो यहां पर मैं साइंस स्क्वायर थीटा लिखता हूं ये वनर यहां गया तो वन माइनस कॉ स्क्वायर थीटा हम करते हैं आप बोलोगे नहीं सर मुझे कॉ स्क्वायर का फॉर्मूला चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया वन ये साइंस स्क्वायर यहां पर आया तो वन माइनस साइंस स्क्वायर थीटा देखा आपने एक फॉर्मूले से हमने और दो फॉर्मूले बना लिए ओके वीके पाटिल सीख, ये सीखिए टेंथ का ही ट्रीगोनोमेट्री ये आ गया तो तुझे टेंथ का भी आ जाएगा बेटा ओके अब यहीं पर देखो यहीं पर square, इससे दो और फॉर्मूले बना सकते हैं अगर समझो कि ये वन यहां पे चला जाए तो टेंथ स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहां पर सेक्स स्क्वायर थीटा है वन यहा तो माइनस वन हो जाएगा ये जो वन है वहां गया तो माइनस वन हो जाएगा अगर समझो ये को यहाँ पर या टेन को यहाँ पर भेज दिया तो ये वन आ जाएगा तो तो ये भी है तो क्या सर हमें तीन तीन फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे एक का दो फॉर्मूला और बन रहा है तो बेसिकली आप ये अगर मेन जो तीन फॉर्मूले ये याद रखते तो भी चलेगा ओके ये तो मैं बता रहा हूँ कि इस फॉर्मूले से और कौन से दो फॉर्मूले बन सकते हैं समझ रहे हो बच्चे अभी देखो यहां पर और भी फॉर्मूले हम बनाते हैं वन प्लस यहां से भी देखो हम ऐसे कर सकते हैं कि सिर्फ कॉट स्क्वायर चाहिए तो ये वन वहां चला गया तो कॉट स्क्वायर स्क्वायर थीटा थीटा हो गया या अगर समझो कॉट स्क्वायर को ही वहां भेज दिया तो दूसरा फॉर्मूला हो गया कोशिक्स स्क्वायर थीटा माइनस टू वन है ना ये कॉट स्क्वायर गया तो कोसे स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर टू वन हो गया तो यार ये जो तीन आइडेंटिटीज है इन तीन आइडेंटिटीज से आपको छह अलग अलग फॉर्मूले बन जाते हैं यहां पर ये जो मेन तीन आइडेंटिटी है उससे आपको ये छह फॉर्मूले बन जाते हैं जिसको याद रखना ये हर जगह काम आते हैं बड़े बड़े सवाल को आसान बना देंगे बहुत मजा आएगा ओके चलो नेक्स्ट <coughs> अभी देखो आपको बेसिकली पता है कि पाइथागोरस थ्योरम होता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि यार कोई राइट right एंगल अगर ट्राइंगल है इस तरीके से नाइन्टी डिग्री का ट्राइंगल है ओके okay? तो यहाँ पर क्या होता है कि जो नाइन्टी डिग्री है ये जो नाइन्टी डिग्री है इसके सामने वाले को हम हाइपोटेनिस बोलते हैं अभी मैंने बताया था अगर ये कोई थीटा है उसके सामने के साइड को अपोजिट साइड बोलते हैं कि बाजू वाली साइड को एडजेसेंट साइड बोलते हैं यहाँ पर क्या होगा नाइनटी के या ये थीटा के सामने वाली अपोजिट साइड ये तो हमने ट्राइंगल ट्रीगो के हिसाब से देखा था पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि जो है यानी समझो एसी है उसका स्क्वायर बराबर होगा ये जो दोनों साइड है ए बी और बी सी उनके के हिसाब से तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम और ट्रीगो ये दोनों जो है यूज होते रहते हैं आपको अप्लाई करते रहना है यहां पर यार सर्कल <coughs> के फॉर्म में ये बताता हूँ मैं आपको कुछ चीजें मुझे आपको बतानी है यार ये सब क्या आ रहा है यहाँ पर आपको मैं कुछ और बताना चाहता हूं यहाँ पर बेसिकली फॉर्मूले के लिए समझो यहाँ पर बच्चों ऐसे कुछ है साइन नाइनटी माइनस थीटा तो क्या किया जाए जैसे यहाँ पर है कॉस 90 माइनस थीटा या टेन नाइनटी माइनस थीटा ऐसा जब भी होता है तो क्या करना ध्यान से देखना बेटा कि जब भी 90 आए देखो दो चीजें होती है पाई बाई टू का मतलब 90 होता है बच्चों 90 डिग्री होता है इसको रेडियन बोलते हैं पाई पाई जो 180 डिग्री होता है इसको पाई रेडियन बोलते हैं इस तरह से ओके और भी इसका करोगे 60 डिग्री को पाई बाई थ्री रेडियन बोलते हैं एंगल को मापने के दो तरीके रहते हैं का पहला चैप्टर आपने सीखा होगा रेडियन और डिग्री ओके, ओके। फोर्टी डिग्री को पाई बाई फोर रेडियन बोलते हैं चीजें याद रखना है थर्टी डिग्री को पाई बाई सिक्स रेडियन बोलते हैं ये चीजें याद रखना है जब भी आपको 90 रहे यानी पाई बाई टू रहे या पाई बाई वन पाई बाई टू थ्री पाई बाई टू पाई पाई बाई टू इस तरीके से अगर रहे जब भी इस तरीके से रहे पाई बाई टू के मल्टीपल रहे तो हम क्या करते हैं इसको हम हटा देंगे बच्चों इसको हटा देंगे और ये साइन को बदल देंगे साइन की जगह उसका दोस्त आ जाता है अब तुम बोलोगे सर आपने तो भाई भाई सिखाया था दोस्त क्या हो गए आओ मैं बताता हूं देखो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा बच्चों ध्यान से देखना है देखो ये साइन का भाई कोसेक होता है कॉस का भाई सेक टेन का भाई कौट मतलब हर एक के भाई होते ही हैं लेकिन भाई के साथ हर एक के दोस्त भी होते हैं अब किसका कौन दोस्त होता है देखो जैसे ये साइन है इसका दोस्त कॉस होता है ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं साइन का दोस्त कॉस होता है ये जो सेक होता है इसका दोस्त कोसेक होता है ये दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड रहते हैं ये जो टैन और कॉट है बच्चों ये जो टैन और कॉट है ये आपस में भाई भाई भी है और आपस में बेस्ट फ्रेंड भी होते हैं क्या बता क्या रहे हो सर पारिवारिक रिश्ता बता रहे हो भाई याद रख जब भी तुझे ना बेटा ऐसा हो कि वन अपॉन कोशेक टीटा क्या आएगा तो तू याद करेगा कि कौशिक का भाई कौन होता है तो कोशेक का भाई साइन होता है तो वन अपॉन कोशिक क्या हो गया साइन टीटा हो गया लेकिन तुझे जब भी बोलेगा ना बेटा कि कौस्ट नाइन्टी माइनस सीटा है तो जब भी ऐसा नाइन्टी माइनस सीटा आएगा तो इसको बचाने के लिए उसका दोस्त आएगा पता है ना हमेशा परिवार का मैटर होगा तो फैमिली वाले भाई भाई, भाई बचा लेते हैं लेकिन लड़की का मैटर होगा तो भाई को बता नहीं सकते घर पे पता चल जाएगा At that time क्या करते है? हम लोग अपने दोस्त की मदद भाई राड़ा हो गया गया जल्दी से आ आ जा उसके पिछले एक्स ने हमला कर दिया तो ऐसा कौन है मैंने क्या सिखाया आपको हटाएंगे तो दोस्त आ जाएगा साइन थीटा समझ में इस तरीके से चीजें होती है ओके? इस तरीके से ऐसे करना है चलो सारी चीजें बताने वाला हूँ ए टू जेड सब आएगा आप खाली ध्यान से देखते रहो पूरा पूरा ट्रिगो में आपको सिखाने वाला हूं आज अब ये देखो ये नाइनटी माइनस सीटर नाइन्टी हटेगा तो साइन का कॉस आ जाएगा उसका दोस्त आ जाएगा बस खत्म कॉस 90 माइनस नाइनटी हटेगा ये हट जाएगा कॉस का दोस्त साइन आ जाएगा खत्म टेन नाइनटी माइनस है 90 माइनस है ये 90 हटेगा tan का दोस्त कोट होता है समझ तो में आ रहा है अगर cot 90 माइनस थीटा होवे तो भाई ये लोग भाई भी होते हैं दोस्त भी होते हैं 90 हटेगा कोट तो का भाई थेर दोस्त आ जाएगा tan थीटा अच्छा सेक होवे तो सेक 90 माइनस थीटा तो क्या सेक का भाई cos आएगा नहीं उसका दोस्त आएगा सेक का दोस्त कौन होता है cosec थीटा अच्छा cosec 90 माइनस थीटा होवे तो तो कोशिक का भाई तो साइन होता है साइन नहीं आएगा सेक और कोशिक दोस्त होते हैं यहाँ पर सेक थीटा आएगा नाइनटी हट जाएगा तो तो ये एक बेसिक चीज है जो आपको याद रखनी है कि कब क्या आता है कब क्या आता है पाई बाई टू बदलता क्यों नहीं शांतनु पाई बाई टू हट जाता है अभी समझो इसी के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ऐसा हो कि साइन 180 हो जाए 180 माइनस थीटा रहे एक मिनट यहाँ पर साइन पाई आ जावे साइन पाई माइनस तो आएगा जब भी देखो बच्चों आंसर आता है तो इसको हटाएंगे तो बदलेगा नहीं जैसे पाई को हटाना है तो साइन का क्या आएगा साइन ही रहेगा उसका दोस्त नहीं आएगा वो अपना मैटर खुद संभाल लेगा किसी को नहीं बुलाएगा क्योंकि तो यहाँ पर पाई है पाई अपॉन टू नहीं है पाई हट जाएगा साइन का साइन आएगा थीटा रह जाएगा एक बात याद रखना है कि जब भी पाई टू पाई थ्री पाई ऐसे हो तो ये बदलेगा नहीं खुद ही अपना मैटर संभाल लेगा लेकिन अगर समझो यहाँ पर ये होता टेन पाई प्लस थीटा तो क्या होता है ये पाई है तो टेन बदलेगा नहीं टेन का टेन आएगा और ये थीटा रहेगा पाई हट जाएगा पर प्लस माइनस का लफड़ा होता है क्वाड्रेंट के हिसाब से मैं आपको अभी सिखाऊंगा तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर सीखने मिली है बहुत सारी चीजें सिखानी है मुझे आपको <coughs> कोऑर्डिनेट अभी बताऊंगा रुको बेटा तो वापस आएंगे पेज नंबर नाइन टेन ओके चलो यहाँ पर हम लोग जो मैं आपको बता रहा था डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर प्लस माइनस जो चीजें होती है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये क्या होता है एकदम ध्यान से देखना है देखो जैसे कि सबसे पहले निगेटिव एंगल सीखने की कोशिश करो निगेटिव एंगल क्या होता है वो सीखेंगे देखो बच्चों साइन ऑफ माइनस थीटा, 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 ऑफ़ माइनस 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 टेन थीटा, सेक माइनस थीटा कोसेक माइनस थीटा तो यहां पर मैं दो चीजें जो है स्पेशल है कॉस और सेक जो कॉस माइनस थीटा है बच्चों पर सेक माइनस थीटा ये दो है यहाँ पर निगेटिव एंगल का मैं ट्रीगो आपको सिखाने जा रहा एकदम ध्यान से देखना एंगल का ये दूंगा आपको शुभम ओके? ओके एक लव्य और इलेवेंथ के लेक्चर कल से रिज्यूम हो रहे हैं दिवाली वेकेशन के बाद मैंने कहा था तो अब मैं चालू कर रहा हूँ कल से ठीक है चलो पढ़ाई पे ध्यान दो चैट पे ध्यान मत दो बच्चों कुछ बच्चे आए थे निकल गए कोई बात नहीं है आप देखते रहो सीखते रहो ओके इसमें क्या होता है साइन ऑफ माइनस थीटा तो निगेटिव जब भी होता है ना तो ये माइनस है ना साइन के टुबुक करके बाहर आ जाता है, sin अब के सब, के और जो माइनस था वो टुबुक करके बाहर आ जाएगा कॉट में भी वही होगा कॉट माइनस बाहर आ जाएगा कोशिक में भी वही होगा माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा तो बच्चा कौन ये कॉस और सेक, ये अलग टाइप के खवड़ होते हैं ये क्या होते हैं ये माइनस को खा जाते हैं दोनों कॉस माइनस थीटा है कॉस माइनस को खा गया कॉस माइनस को खा गया माइनस को खा गया तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है कि कब जो है माइनस गायब हो जाता है समझ में आ रहा है कब माइनस गायब हो जाता है ये याद रखना है कॉस और सेक ऐसे दो जन होते हैं जिसमें माइनस गायब हो जाता है कॉस और सेक खा लेते निगेटिव एंगल में अभी मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं कि जब भी आपके सामने इस तरह से कार्टेशियन सिस्टम हो एक्स और वाई यही ध्यान देना है बहुत से बच्चे यहीं पर गड़बड़ करते हैं कुछ बच्चे जो भग गए थे सबको लगा कि सर नवी दसवीं का ट्री को बता रहे हैं ऐसा नहीं है बेटा टू जेड बता रहा हूं पूरा स्टार्ट से एंड तक ओके okay. ओके okay. एकदम ध्यान से देखो बैटरी चेंज हमने कर दिया है ओके okay. अब देखो यहां पर ये जो क्वाड्रेंट है इसको पहला क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको दूसरा बोलते हैं इसको तीसरा बोलते हैं इसको चौथा क्वाड्रेंट बोलते हैं है. ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है कुछ चीजें आपको याद रखनी है जो मैं बताने जा रहा हूँ ये जो बताने जा रहा हूँ इतना इंपॉर्टेंट है इतना इंपॉर्टेंट है 11, ट्वेल्थ सी और जेई के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर बच्चों ये जीरो है ओके ये नाइन्टी डिग्री होता है पाई बाई टू ये पाई होता है बच्चों ये होता है थ्री पाई बाई टू और अगेन घूम के ये टू पाई होता है जीरो नाइन्टी डिग्री वन एटी डिग्री टू सेवेंटी डिग्री थ्री सिक्सटी डिग्री इस तरीके से होता क्या है कि अगर कोई पहले क्वाड्रेंट में है वो सब के सब पॉजिटिव होते हैं यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं सेकेंड के अंदर थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं ये छः के छह लोग का अपना घर होता है जैसे आपका अपना घर हो है ना आप अपने घर में गए अपने घर के शेयर हो जाते हो बट पड़ोसी के घर पे गए तो चुपचाप बैठते हो अंकल चिल्लाएंगे अपने घर पे गए मम्मी पानी दे रहे फिर हो जाते वैसे हर एक का अपना घर होता है <coughs> यहाँ पर देखो पहले में कोई भी जा सकता है भाई आश्रम है कोई भी जा सकता है कोई अपना दोस्त रहता ना एरिया का उसके घर पे माँ बाप नहीं रहते गाँव गए सब लोग उसके घर पे बड़े रहते पहले घर में सब जा सकते ऑल दूसरा घर भाई साइन और कोसेक का घर है वहां कोई और नहीं आएगा लेकिन कोई आना चाहे तो चुपचाप आके बैठने का मस्ती करने का नहीं ठीक है तीसरा घर टैन और कॉट का है चौथा घर है कॉस और शेख का कहना क्या चाहते हो सर कहना ये चाहता हूं कि यहाँ पर एक ट्रिक है ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी ये याद रखना है कि पहले क्वार्रेन में ए ऑल पॉजिटिव दूसरे क्वार्रेन में साइन और कॉशिक पॉजिटिव होता है साइन एक्स और साइन उसका भाई कौन होता है कोशिक तो दोनों आ गए तीसरे में टी टी फॉर टेन बट उसका भाई क्या होता है वो भी आ गया चौथे में सी और उसका भाई से। ये लोग पॉजिटिव होते हैं अब जो मैं आपको फॉर्मूले दे रहा था अगर आपके सामने कभी आ जाए साइन समझो नाइनटी प्लस थीटा आ गया बच्चों अब जैसे मैंने बताया नाइन्टी प्लस थीटा ये कहाँ रहेगा देखो हमेशा जीरो तो शुरू होता है जीरो और ये 90 पाई बाई टू 90. कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर पाई अपॉन टू को 90 क्यों बोल रहे हैं मैंने अभी पिछले स्लाइड में बताया पाई अपॉन टू को 90 बोलते हैं ठीक है तो अगर 90 प्लस है तो देखो ये जीरो पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू प्लस मतलब 90 प्लस 90 प्लस कहाँ आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है सेकेंड में क्या था साइन और कोसेक प्लस होता है अच्छा तुमको मैंने बताया था बच्चों नाइनटी प्लस नाइनटी जब होगा ना तो ये बदल जाता है ये कॉस हो जाता है और ये थीटा थीटा रहेगा अगर 90 है तो ये बदल जाएगा ये वाला साइन का कॉस हो जाएगा थीटा आ जाएगा समझ रहे हो लेकिन ये कौन से क्वाड्रेंट में सेकंड सेकंड किसका घर होता है साइन को क्वेश्चन में साइन है तो एंसर प्लस आएगा लेकिन सर ये तो कॉस है इसको मत देखो क्वेश्चन को देखने का क्वेश्चन क्या है अगर समझो ये होता सेम साइन पाई प्लस थीटा अगर पाई बाई टू की जगह पाई होता

माइनस क्यों आया क्योंकि पाई प्लस जो है ना वो तीसरे में आता है पाई प्लस इधर क्यों आ रहा है क्योंकि यहाँ से लेते ना जीरो नब्बे मतलब फिर ये पाई यानी वन एटी वन एटी प्लस मतलब एक सौ अस्सी प्लस ऐसा समझो ये आ जाए कि कॉट पाई माइनस थीटा तब क्या करोगे सर तो देख बेटा सबसे पहले तो ये पाई है तो ये कॉट बदलेगा नहीं कॉट का कॉट रहेगा और थीटा आ जाएगा लेकिन माइनस होगा कि प्लस वो चेक करना है तो उसके लिए क्या करेंगे पाई माइनस कहाँ आता है वो देखना देख जीरो माइनस पाई, पाई माइनस पाई मतलब तो पाई से पीछे तो सेकेंड में आ रहा है ये सेकेंड में साइन और कोसेक प्लस होता ये तो है ये तो कॉट है ये माइनस है और एक बताते जैसे कि समझो सेक रहे सेक टू पाई माइनस थीटा अब क्या करोगे तो टू पाई कहां पर है देखो जीरो से लेके आएंगे ऐसे 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 ये टू पाई टू पाई माइनस सीटा मतलब ये रहा कौन सा क्वाड्रेंट फोर्थ फोर्थ में कॉस और सेक प्लस होता है सबसे पहले तो ये सेक है ये टू पाई हटेगा तो बदलेगा नहीं क्योंकि ये पाई का ही मल्टीपल है सेक का सेक थी रहेगा अब टू पाई माइनस मैंने देखा यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक प्लस होता है ये सेक है इसके आंसर में प्लस आएगा तो इस तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि प्लस या माइनस प्लस या माइनस अगर वो अपने घर में आ रहा है तो प्लस रहेगा दूसरे के घर में जा रहा है तो माइनस रहेगा ओके संचित तो बोलता है मैंने आज पांच फ्रेंड जोड़े बहुत अच्छी बात है है बेटा ठीक अपने दोस्तों को बताया करो यार बहुत मेहनत लगती है सब रोज के बच्चों को ऐप पे पढ़ा रहा हूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये जो आपने सीखा कि कब क्या आता है यहां पर देखोगे कि माइनस थीटा होगा तो साइन का माइनस साइन कॉस का माइनस गया फाइव बाई टू माइनस होगा फाइव बाई टू तो इतने सारे फॉर्मूले हैं आपको याद रखने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ ये ट्रिक अगर याद है एक तो माइनस वाला कि कॉस और से खा जाते हैं दूसरा ये जो ट्रिक मैंने बताया अगर आपको मालूम पड़ गया ये ट्रिक अगर आपने अच्छे से इसको सीख लिया तो भाई सारी चीजें आपको आसान लगने लगेगी ओके समझ तो में आ रहा है चलो आगे जाते हैं अभी कभी कभी देखो इस तरह से निकालना पड़ता है कि 120 डिग्री है या इसको टू पाई बाई थ्री भी बोलते हैं क्योंकि पाई पाई क्या होता 3, 60 डिग्री होता है है बेटा डिग्री अगर मैं बोलूं टू पाई बाई थ्री मतलब क्या होगा टू इंटू सिक्सटी यानी वन ट्वेंटी डिग्री तो होगा क्या देखो समझो वन ट्वेंटी डिग्री आपको बोला साइन वन ट्वेंटी डिग्री निकालो कैसे करोगे तो इसको क्या करने का साइन को साइन लिखो इस 120 को हमेशा हमेशा ना रेफरेंस आप वन का लिया करो या तो 360 का ये वन मतलब पाई होता है 360 मतलब टू पाई होता है और आपको मैंने सिखाया है कि जब भी पाई या टू पाई लोगे ना तो बदलेगा नहीं अब इसको दो तरीके से कर सकते हो या तो 90 प्लस थर्टी लेके कर सकते हो या तो इसको आप यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि आप साइन वन एटी माइनस सिक्सटी लेके कर सकते हो दोनों तरीका चलेगा बट याद रखना पड़ेगा कि अगर नाइन्टी प्लस थर्टी कर रहे हो ये नाइन्टी जो होता है ये पाई अपॉन टू होता है नाइन्टी क्या होता है पाई अपॉन टू जब भी पाई अपॉन टू होता है या नाइन्टी होता है ये बदल जाता है साइन का कॉस हो जाता है उसका दो सौ आएगा और ये तीस आ जाएगा ये नाइन्टी गायब हो गया कॉस्ट थर्टी कितना होता है आपको पता ही है कॉस्ट थर्टी रूट थ्री बाई टू होता है इसका आंसर क्या आ गया √3/2 आ गया लेकिन सर अगर इसको 180 minus 60 करें तो तो ये क्या होगा 180 हटेगा sin का sin रह जाएगा 60 आ जाएगा 180 हट गया और ये कौन से क्वाड्रेंट में 180 minus दूसरे क्वाड्रेंट में है तो ये sin प्लस होता है दूसरे क्वाड्रेंट में ये देखो 180 minus. <coughs> देखो ये 180 मतलब π दूसरे क्वाड्रेंट में sin प्लस होता है इससे मैंने कर दिया

इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 180 प्लस 40 समझो मुझे बोला इसका tan निकालो tan 225 तो मैं क्या करूंगा tan 225 को 180 प्लस 45 कर दूंगा अब 180 मतलब पाई होता है पाई होगा तो बदलेगा नहीं ये tan रह जाएगा 180 हट गया 45 आ गया अब 180 प्लस मतलब कहाँ होता है बच्चों ये 180 है प्लस मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है थर्ड क्वाड्रेंट में टी फॉर टेन पॉजिटिव होता है तो ये tan ही है तो ये प्लस रहेगा tan 45 1 होता है तो अगर 225 है तो उसका भी tan कितना आ गया 1 आ गया तो कोई भी ऐसा स्पेसिफिक एंगल दिया है जो हमारे टेबल में नहीं है 0 30 45 60 90 180 तो भी आप ऐसे जो है उसको सॉल्व कर सकते हो तो <coughs> ये चीज मैंने आपको बताई ओके okay, फिर से एक बार देख लो यहां पर <coughs> पहले में पहले में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सर पॉजिटिव दूसरे के अंदर याद कर लो बेटा sin n cosecr पॉजिटिव तीसरे के अंदर tan and cot थीटा r पॉजिटिव चौथे के अंदर cos and secr पॉजिटिव जिसको ये आ गया ना उसको ज्योमेट्री एकदम ट्रिग्नोमेट्री एकदम हलवा लगेगा एकदम आसान लगेगा बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा ओके अब यहां पर कुछ डोमेन रेंज है जो आपको पता चाहेंगे लेकिन ये आप लोगों के लिए डिलीट हुआ है फिलहाल तो जो ट्वेल्थ के अंदर जो है जनरल फॉर्मूले से रिलेटेड है बताऊंगा फिर भी थोड़ी सी बातें इसके बारे में देखो अब ये बेसिकली ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं यहाँ पर एक मिनट है बच्चों एक फॉर्मूला मिस हो गया देखो बच्चों साइन ए प्लस बी ये सबसे पहला फॉर्मूला होता है ये लिख के बताता हूँ रुको जरा यहाँ पर ध्यान से देखिए ये जो फॉर्मूले में लिख के देता हूं आपको साइन ए प्लस बी और एक होता है साइन ए माइनस बी ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर समझो आपके सामने एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि साइन फोर्टी फाइव प्लस सिक्सटी है मतलब एक सौ डिग्री है तो कैसे सॉल्व करें जैसे साइन वन जीरो फाइव है अब आप बोलोगे सर पहले किए थे वैसे कर लो साइन नाइनटी प्लस फिफ्टीन कर दो तो नहीं चलेगा ना लेकिन साइन फिफ्टीन तो पता ही नहीं है ना हमें नाइनटी पता है तो हम क्या करेंगे वन जीरो फाइव को हम ऐसे कर सकते हैं फोर्टी फाइव प्लस सिक्सटी 60 या 60 प्लस 45. तो ऐसे करने के बाद हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है साइन ए प्लस बी का जो होता है साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी फिर प्लस कॉस तो हाँ ए साइन बी इस तरीके से हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं साइन ऑफ ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस है इंटू साइन बी अब यहां प्लस है तो यहां पर भी प्लस आ रहा है यहां माइनस होगा तो माइनस आएगा ये क्या हो जाएगा साइन है माइनस भी है तो साइन है कॉस भी वही रहेगा खाली माइनस आ जाएगा कॉस है साइन बी आप देखिए प्लस है तो प्लस माइनस है तो माइनस इस तरीके से हमें करना है ये साइन के बारे में हो गया देखो साइन है कॉस भी माइनस आ गया अब कॉस वाला थोड़ा सा अलग होता है कॉस के लिए बता देता हूँ यहाँ पर ये समझाने के लिए मैंने बताया इसको हटा दीजिए चलो अभी कॉस के लिए देखो कॉस के लिए ये साइन के लिए था कॉस के लिए कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी एकदम ध्यान से देखना बच्चों अगर ऐसे होगा कॉस होता है तो दोनों कॉस एक साथ लिखते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी ओके समझ में आ रहा है क्या करते हैं कॉस ए इन कॉस बी दोनों का कॉस पहले लिखते हैं कॉस में थोड़ा उल्टा होता है प्लस है तो माइनस देंगे माइनस है तो प्लस देंगे बस समझे कॉस कौस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी एक साथ रहेगा साइन ए साइन बी यहां पर भी क्या रहेगा साइन ए साइन बी एक फॉर्मूला याद किए तो दूसरा भी याद हो जाता है ये दोनों फार्मूला देखो एक जैसा ये दोनों फॉर्मूला एक जैसा साइन में प्लस होगा तो प्लस माइनस है तो माइनस कॉस में प्लस है तो माइनस माइनस है तो कॉस में उल्टा ये चार फॉर्मूले आपको याद रखने बहुत अच्छी तरीके से जो मैंने आपको यहां पर दिए हैं ये सारे फॉर्मूले करने हैं ठीक है अभी यहीं पर जैसे साइन और कॉस क्या किए टेन का जो फॉर्मूला है वो देख लो क्या है लिख के समझाता हूं आपको कि बच्चों अगर टेन है और उसके साथ ए प्लस बी है साइन और कॉस आपने देख लिया या टेन है ए माइनस बी है तो क्या करोगे तो भाई ये टेन ए प्लस टेन बी हो जाएगा इस तरीके से दोनों का टेन हो जाएगा अपॉन करना है यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस देना फिर वन माइनस करना ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस ऊपर माइनस होगा तो नीचे प्लस आएगा अलग अलग होता है इन्हीं दोनों का नीचे मल्टीप्लाई करना टेन ए b बी तो ये बेसिक फॉर्मूला होता है tan ए प्लस बी अगर माइनस है तो क्या होगा वही होगा क्या होगा देखो ये टेन ए माइनस आ जाएगा ऊपर tan माइनस टेन बी अपॉन क्या आ जाएगा वन माइनस है तो प्लस देखो इधर प्लस था तो माइनस माइनस है तो प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करना टेन एन बी ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं टेन के लिए इसके पीछे मैंने आपको क्या बताया इसके पीछे मैंने आपको साइन और कॉस का बताया कि साइन और कॉस होगा तो ऐसे होता है साइन साइन कॉस कॉस दोनों प्लस माइनस प्लस माइनस तो ये चीजें आपको याद रखना है बेसिक मैं जो बता रहा हूँ और ये सारे फॉर्मूले आप याद करोगे अभी समझो कॉट है तो कॉट ए प्लस बी में इसका उल्टा होता है टेन का क्या होगा कॉट ए कॉट बी नीचे आ जाएगा जैसे कॉट ए प्लस कॉट बी आगे पीछे लिख सकते कोई बात नहीं कॉट बी प्लस कॉट ए ऊपर क्या होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई और उसमें से माइनस वन होगा यहाँ प्लस है तो नीचे प्लस ऊपर माइनस वन होगा टेन में क्या था प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस माइनस है तो नीचे माइनस होगा ये कॉट बी माइनस कॉटे करना और ऊपर कॉटे क्वॉट बी प्लस वन ये इतना ज्यादा यूज नहीं होता टेन का याद रखो टेन का यूजफुल आगे चलते हैं ये सारी चीजें बता चुका हूं मैं आपको ओके <clears throat> okay. चलो डबल एंगल फॉर्मूले पे हम आ गए जो बच्चे भग के गए थे वापस आ जाओ कुछ बच्चे बोल रहे ये ट्वेल्थ का है क्या ओके कुछ बच्चे बोल रहे ट्वेल्थ का है क्या से से क्लास क्लास घेता घेतो नसता ऐसा मत करो अभी मैं चालू करने वाला हूँ टेंथ का भी तो प्लीज आप आना प्लीज आप आना पढ़ाते रहता कोई आता ही नहीं है <laughs> देखो डबल एंगल फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है बताने जा रहा हूं देखना लेटेस्ट लर्न डबल एंगल फॉर्मूले डबल एंगल फॉर्मूले क्या है बच्चों एकदम ध्यान से देखो सबसे पहले हम देखेंगे साइन टू थीटा साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इसको याद रखना है, है. साइन टू थीटा का ये फॉर्मूला होता है अब इसके बाद में बताऊंगा कि कॉस टू थीटा कॉस टू टीटा के तीन तीन फार्मूले रहते हैं बच्चों जो याद रखना है एक होता है कॉस स्क्वायर टीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक होता है टू कॉस थीटा माइनस वन एक होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा ये तीनों कॉस टू थीटा के फॉर्मूले होते हैं समझ में आ रहा है तो आपको याद रखना है साइन टू थीटा कॉस टू थीटा के ऐसे दो फॉर्मूले साइन टू थीटा का एक और कॉस का ये होता है अगर समझो इसी की बात करेंगे इसी पैटर्न में हमको बोला जाए कि सिर्फ साइन थीटा का फॉर्मूला चाहिए तुम बोलोगे सर टू टीटा के बदले सिर्फ थीटा रहा तो क्या ये फॉर्मूला अप्लाई होगा बिल्कुल होगा कैसे होगा जैसा ये टू थीटा है उसका आधा कर दिया वन थीटा टू थीटा है तो आधा कर दिया वन थीटा तो ये हो जाएगा देखो साइन थीटा टू ये साइन है साइन थीटा का आधा कर देंगे और कॉस में भी थीटा का आधा कर देंगे कभी भी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं जरूरी नहीं कि अगर यहाँ यहाँ पर थीटा हो। थीटा, है, तो यहां टू थीटा, टू थीटा कर कर देंगे कभी तो भी, भी कर सकते हैं इसको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूले अभी इसमें भी ऐसे ही कर सकते हैं जैसे कि कॉस टू थीटा है तो सेम यू कैन डू हियर कॉस टू थीटा क्या आएगा ये टू थीटा है तो थीटा था अब यहाँ पर अगर सिर्फ थीटा रहा तो क्या करोगे इफ यू स्क्वायर थीटा बाई टू आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू आ जाएगा मतलब तो फॉर्मूला तो देखो दोनों वही है ना पास तो टू थी टू थीटा का आधा हो गया वन थीटा वैसे ही अगर टू थीटा के बदले थीटा रहा तो थीटा का आधा थीटा थीटापन टू थीटा अपॉन टू मतलब थीटा का आधा तो ये होता है डबल एंगल फॉर्मूला ये होता है हाफ एंगल फॉर्मूला तो इसको याद रखना है अब साइन टू थीटा का ना बच्चों और एक फॉर्मूला होता है कौन सा फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा और टैन टू थीटा ये तीनों का टैन के टर्म में फॉर्मूले होते हैं जो इनकी रिलेशन होता है इनका क्या होता है साइन टू थीटा होता है टू टैन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो ये टैन के टर्म में साइन का फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्वेल्थ में अगर आप हैं तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में बार बार काम आएगा कॉस टू थीटा होता है ये होता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा यह बहुत यूजफुल कर देंगे करेंगे, आएगा. This this. <coughs> तो ये क्या होगा इससे इसको डिवाइड करोगे दोनों के नीचे वन प्लस टेन स्क्वायर कट हो जाएगा ऊपर आ जाएगा टू टैन थीटा अपॉन में नीचे ये वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा अब ध्यान से देखोगे ना तो ये दोनों फॉर्मूले आपको एक जैसे दिख रहे होंगे कौन से साइन का जो फॉर्मूला है ये ओके और ये टैन का जो फॉर्मूला है ये आपको एक जैसा ही दिख रहा होगा तो आप देखोगे एक जैसा दिख रहा है लेकिन एक छोटा सा फर्क है अगर आप एकदम ध्यान से देखोगे एकदम छोटा सा फर्क है क्या है साइन टू थीटा में नीचे प्लस है यहाँ टैन टू थीटा में नीचे माइनस है बस इतना सा ही फर्क है इतना सा ही फर्क है कि ये ध्यान देना है ओके एकदम सर ब्राइटनेस थोड़ा इंक्रीज करो ठीक है समझ में आ रहा है क्या ओके इधर से इधर ही अभी देखो यहां पर ये साइन कॉस टाइन हो गया बच्चों जस्ट इसको फॉर्मूले को याद करो जस्ट थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं एक मिनट डिफ़ॉल्ट कर दो नहीं तो यहाँ से डिफ़ॉल्ट नीचे ये कर दो कट करो इसको ये करना था हो गया होगा इनको तो चल करेंगे चला देखो यहाँ पर है थीटा 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 ये तीनों के फॉर्मूले हो गए हम्म अभी यहाँ पर और भी मैं आपको डबल एंगल में एक बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ यार जो जिसको सोना है सो जाओ भाई इस लेक्चर में सारे फॉर्मूले कवर कर रहा हूं ध्यान से देखना ये देखो बच्चों ये कॉस टू टीटा के तीन फॉर्मूले रहते हैं तो यहां से दो नए फॉर्मूले जनरेट होते हैं कि अगर मैं ये माइनस वन को यहाँ लाऊं तो वन प्लस कॉश टू थीटा होता है इस तरीके से अगर मैं कॉस टू थीटा को वहां पर लेके जाऊं तो वन माइनस कॉस टू थीटा होता है वन माइनस वन इधर आया तो वन प्लस कॉस टू थीटा टू कॉ स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा और ये होता है टू साइन स्क्वायर थीटा तो ये दो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है आप याद करके रखोगे बहुत मजा आएगा टू थीटा एकदम से देखना जगह माइनस आ जाए तो टू साइन इसमें से ही cos आया है बट ये बहुत बार सेपरेटली यूज होता है और बहुत बार आपके सवाल को आसान कर देता है जो भी ग्यारहवीं बारहवीं के बच्चे है एकदम ध्यान से देखना है इसको जेई सी टी के लिए बड़ी बड़ी चीजें रिप्लेस हो जाती है समझ में आ रहा है इस तरीके से करना है तो टू समझो तो यहीं पर है। उसकी जगह पर सिर्फ थीटा रहता ये इस तरह से तो क्या करते हाफ हो रहा है थीटा तो थीटा का भी हाफ कर देना टू स्क्वायर थीटा बाई टू टू साइन स्क्वाई टू प्लस ये फॉर्मूले हम लोग यूज करते हैं तो ये देखो ये साइन टू टीटा कॉस टू टीटा टेन टू टीटा भी होगा यानी के दो फॉर्मूले आपको मिल गए एक तो मिल गया टू इंटू साइन इंटू कॉस और एक मिल गया टू फिर टीटा के यहाँ पर ऑलरेडी तीन फॉर्मूले मैंने दिए थे आपको उसके साथ एक कॉस का फॉर्मूला टेन के रिलेशन में मिला टेन टूट टेन टू टीटा का यही एक फॉर्मूला होता है जिसको आपको याद रखना है टेन टू टीटा का ये फॉर्मूला होता है ठीक है तो चलो ये बेसिक हो गया इतना आगे बढ़ते हैं बहुत सारी चीजें हैं जो आप सीखोगे मेरे साथ ये मैंने बता दिया है आगे बढ़ते हैं चलो ट्रिपल एंगल फार्मूला ट्रिपल एंगल फॉर्मूला क्या है वो आप देखेंगे आपको लिख के दिखाता हूँ साइन थ्री थीटा और कॉस थ्री थीटा साइन थ्री थीटा और कॉस थ्री थीटा क्या होता है देखो साइन थ्री थीटा होता है थर्टी फोर फॉर्मूला ऐसे आप याद रखोगे 3 में हम क्या करेंगे? 3 और, रख और, या? और, रख और यहाँ पर माइनस फिर क्या करेंगे जिसके पास फोर है जैसे इसके पास फोर है इस कॉस को क्यूब दे देंगे इस साइन के पास फोर है इसको क्यूब दे देंगे तो ये देखो ये ट्रिपल एंगल फॉर्मूला हो गया साइन थ्री थीटा और कॉस थ्री थीटा ऐसे जब भी होगा तो हम ऐसे करेंगे थर्टी फोर फोर्टी थ्री फार्मूला अगर टेन थ्री थीटा है तो उसका यहां पर देखो एक फॉर्मूला है टेन थ्री थी थीटा का कि टेन थ्री थीटा होगा तो थ्री इंटू टेन थी थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा फिर वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ये टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला कभी कभी यूज होता है रेयरली यूज होता है बट ये बार बार यूज होगा साइन थ्री थीटा और कॉस थ्री थीटा को 34 और 43 याद रखना साइन में 34 होता है कॉस में 43 होता है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपको हर जगह बार बार काम आने वाले हैं आओ चलो अभी देखते हैं कि आ, यहाँ पर फैक्टराइजेशन फॉर्मूले क्या हैं भग गए बहुत से बच्चे भग गए कोई बात नहीं है कोई बात नहीं है जो है वो देखते रहो जो गए उसको जाने दो फैक्टराइजेशन फॉर्मूले क्या है देखो साइन सी देखो यहाँ पर चार फॉर्मूले दूंगा एक साइन और साइन का प्लस है साइन साइन का माइनस है कॉस कॉस का प्लस है कॉस कॉस का माइनस है तो कैसे होगा देखो कैसे होगा मैं लिख के आपको समझाता हूँ एकदम देखो पहला फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी यानी दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दोनों सेम है दोनों के एंगल अलग अलग है या तो हम ऐसे लेंगे साइन सी माइनस साइन डी तो होता क्या है देखो इसका आंसर होता है टू इंटू साइन इंटू कॉस और यहां पर ब्रैकेट आ जाएगा एंगल समझे क्या साइन सी माइनस साइन डी है तो क्या होगा टू इंटू कॉस पहले आ जाएगा साइन बाद में आ जाएगा समझने की कोशिश करो ओके okay. साइन प्लस साइन या साइन माइनस साइन है दोनों साइन बीच में प्लस है तो टू इंटू साइन पहले आएगा बाद में आएगा, दोनों के बीच में 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 माइनस है तो ये जो बाद बाद था वो पहले आया चला गया, अगर यही रहता कि C प्लस कॉस डी कॉस सी प्लस कॉस डी या तो रहता कॉस सी माइनस कॉस डी तो यहां पर क्या आ जाएगा टू इंटू कॉस और कॉस आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा टू इंटू साइन आ जाएगा टू इंटू साइन और साइन आ जाएगा अब आप सोच रहे हो बॉक्स के अंदर क्या आएगा देखो पहले तो बॉक्स के अंदर जो आने वाला कॉमन चीज है उसको याद नहीं करना है ये चीज याद करनी है फैक्ट्राइशन फॉर्मूले में दोनों भी साइन है और बीच में प्लस है तो टू इंटू टू तो आने वाला है पहले पहले साइन बाद में कॉस आएगा दोनों साइन है बीच में माइनस है तो पहले कॉस बाद में साइन आएगा जो पहले साइन था फिर कॉस बाद में था तो कॉस पहले साइन बाद में दोनों कॉस है बीच में प्लस है तो दोनों कॉस आएगा दोनों कॉस है बीच में माइनस है तो दोनों साइन आएगा और हमेशा टू पहले आएगा अच्छा ये जो पहला ब्रैकेट है इसमें क्या करना है इसमें एक ही चीज बार बार आएगा सी प्लस डी अपॉन टू वो क्या है ये सी और डी दोनों को प्लस करके टू से डिवाइड करना है दूसरा जो ब्रैकेट है इन्हीं दोनों को माइनस करके टू से डिवाइड करना है उसको तो याद रखने की जरूरत नहीं है ओके okay, वो तो आपको ऑटोमेटिक मतलब ऑटोमेटिक है आ जाएगा यहाँ हमेशा दोनों को प्लस करना है पी और डी को और यहाँ पर दोनों को माइनस करना है यहाँ पर प्लस करना है यहाँ पर दोनों को माइनस करना है यहाँ पर दोनों को प्लस करना है लास्ट वाले में उल्टा रहता है जैसे हर बार आप सी माइनस डी कर रहे हो यहाँ पर डी माइनस सी करते हो

ये तरीका है फिर से देखो अगर दोनों साइन साइन है बीच में प्लस है तो टू इंटू साइन इंटू कॉस दोनों साइन साइन है बीच में माइनस है तो टू इंटू कॉस इंटू साइन दोनों अगर कॉस कॉस है बीच में प्लस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लस होगा तो दोनों कॉस आ जाएगा और दोनों कॉस है बीच में माइनस है तो दोनों साइन आ जाएगा और हमेशा पहला वाला एंगल क्या करना है ये दोनों जो है सी और डी दोनों को प्लस करके आधा करना है और दूसरे में क्या करना है दोनों को माइनस करके आधा करना है तो ये आपने देख लिया ये चार फैक्टराइजेशन फॉर्मूले होते हैं यहाँ पर जो मैंने आपको चौथा फॉर्मूला बताया मैंने आपको ये बताया कि two into sine यहाँ पर two into sine into sine हाँ sine है ये two into sine into sine यहाँ पर मैंने बताया c plus d by two और d minus c by two है लेकिन अगर आप चाहें कि नहीं मैं डी माइनस सी क्यों करूं मैं जैसे सी माइनस डी था वही करूं ओके okay. यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है ये माइनस है बच्चों ओके okay. तो यहाँ पर आप क्या करोगे एक माइनस बाहर ले लेते हो क्या करते हो ये सी माइनस डी है ना तो एक माइनस बाहर ले लेते हो समझ में आ रहा है ये जो प्रिंटेड है इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, प्लस माइनस का अभी उसका ही उल्टा उसका ही उल्टा कि अगर टू इंटू साइन कॉस रहे तो क्या आएगा देखो अभी यहां पर देखोगे ना देखो टू इंटू साइन कॉस कब आ रहा था जब दोनों साइन और बीच में प्लस है उल्टा हाँ अभी इससे ये बनाना है अभी इससे हम ये बना रहे थे टू इंटू साइन इंटू कॉस है तो दोनों साइन है बीच में प्लस है देखो टू इंटू साइन इंटू कॉस है तो दोनों साइन है बीच में प्लस है देख रहे हो और एंगल क्या करेंगे ये ए और बी है ना इन दोनों को पहले प्लस करेंगे इन दोनों को माइनस अगर समझो पहले कॉस बाद में साइन है टू से इंटू साइन समझ तो रहे थोड़ा सा ज़ूम कर देता हूं दिख रहा होगा तो ठीक है टू से टू से इंटू साइन है तो क्या करेंगे दोनों साइन बीच में माइनस और पहले में क्या करेंगे ये ए और बी को प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे मतलब पिछला जो था फैक्टराइजेशन उसका उल्टा है डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले अब देखो दोनों कॉस है इसका मतलब दोनों कॉस के बीच में प्लस है दोनों कॉस के बीच में प्लस है और ये ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब दोनों एंगल को प्लस करें मैं अगर दोनों साइन है मतलब ये दोनों कॉस रहेगा बीच में माइनस रहेगा कैसे आ रहा है अगर पिछला याद है तो ये आएगा तो यहाँ याद रखना है कि हमेशा पहले ए प्लस बी करे थे यहाँ बाद में ए प्लस बी करना है बाद में ए माइनस भी था तो पहले ए माइनस भी था तो ये जो चार है ये या आप याद कर सकते हो पिछले से यहाँ पर याद कर सकते हो तो उल्टा है ये हो गया देखो अभी एक ट्राइंगल की बात करते हैं किसी भी ट्राइंगल के अंदर बच्चों समझो ये ट्राइंगल है तो यहां पर ए बी सी अगर होता है तो ट्राइंगल के तीनों एंगल को अगर प्लस करोगे ये तीनों एंगल को प्लस किया तो 180 डिग्री आता है तो रेडियन में पाई बोलते हैं you can write a plus b plus c π π मतलब 180 तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इससे बहुत सारे नए फॉर्मूले क्रिएट होते हैं ये बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. यहां पर होता क्या है अगर आप चाहो तो a plus b को लिख सकते हो c वहां गया तो π c इसका फायदा क्या अगर समझो मुझे बोला गया sin a b निकालो तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं sin a b है तो साइन ए प्लस बी तो पाई माइनस सी को इक्वल है पाई माइनस सी कर देता अब देखो यहां पर अगर ये पाई हटेगा तो ये साइन का साइन रहेगा और ये सी रहेगा पाई माइनस सी में साइन ए प्लस बी को आप कभी भी साइन सी से रिप्लेस कर सकते हो तो ये ट्राइंगल के अंदर होता है अगर कोई ट्राइंगल है उसके अंदर तीन एंगल है ए तीनों को प्लस करके पाई आता है तो किसी दो का जो सम होता है वो तीसरे एंगल से अगर हमें चेंज कर रहा है तो ऐसे हम कर सकते हैं समझो यहीं पर मुझे हाफ एंगल करना पड़ता अब यही चीज में a plus b लिया तो b plus c भी ले सकता हूँ। तो b plus c किया तो a वहां गया तो पाई a है ना तो ये क्या हो जाएगा sin b plus c अगर मुझे निकालना है तो इसका साइन होगा तो साइन a आ जाएगा तो आप sin b c को ताई नहीं कर सकते हो अगर समझो यही है और मुझे हाफ एंगल चाहिए ए प्लस बी प्लस सी अगर पाई है मैं चाहता हूँ हाफ एंगल करूँ ये समझो सी को वहाँ लेके गए पाई माइनस सी मैं चाहता हूँ दोनों का हाफ कर दूँ इस तरह से अब साइन ले लूँ मैं साइन ए प्लस बी बाई टू तो मैं क्या करूँ यहाँ पर भी साइन आ जाएगा पाई माइनस सी अपॉन टू दोनों को अलग अलग दे दो समझे क्या अब देखो साइन है नाइन्टी हटेगा देखो साइन है नाइनटी अटेगा याद करो मैंने क्या सीखा है जब भी 90 अटेगा तो साइन का आ जाएगा कॉस और ये आ जाएगा सी बाई टू है ना ये पहले क्वार में सारा पॉजिटिव होगा तो अब कभी आपको साइन ए प्लस बी बाई टू दिखता है तो आप उसको कॉस सी बाई टू बदल सकते हो पहले क्या बताया था अगर साइन ए प्लस बी है तो उसको साइन सी कर सकते थे पीछे ऊपर साइन प्लस ए प्लस बी को हम साइन सी लिख सकते हैं लेकिन अगर साइन ए प्लस बी अपॉन टू है तो यहां पर सी अपॉन टू आएगा लेकिन कॉस आ जाएगा साइन का कॉस लेकिन यहाँ साइन का साइन था तो ये ट्राइंगल के अंदर कुछ बेसिक चीजें होती है जो आपको याद रखना चाहिए ठीक है अभी हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं साइन रूल कोसाइन रूल वगैरह होता है जो ट्वेल्थ के अंदर ट्रिगो में होता है तो आओ चलो मैं आपको बताता हूँ साइन रूल को साइन रूल क्या होता है पूरा ट्रिगो सिखा रहा हूँ जो बच्चे दसवीं ग्यारहवीं में है ये सब आपको बारहवीं में आएगा अब जो मैं सिखा रहा हूँ साइन रूल होता है बच्चों कि देखो किसी भी ट्राइंगल के अंदर ये ट्राइंगल है इसके अंदर साइन रूल लगाना है तो एक ट्राइंगल में ट्राइंगल का नाम होगा ए बी सी तीन एंगल होंगे ए बी सी ये जो एंगल ए इसके सामने की साइड को स्मॉल ए बोलते हैं ये जो एंगल बी है इसके सामने की साइड को स्मॉल बी बोलते हैं एंगल सी है तो स्मॉल सी स्मॉल लेटर मतलब लेंथ ऑफ साइड यानी जो बाजू है उसका लेंथ कैपिटल ए बी सी मतलब वो एंगल है एंगल कैपिटल तो साइन रूल क्या बोलता है एक रेशियो होता है बच्चों साइन रूल स्मॉल ए अपॉन साइन ऑफ कैपिटल ए स्मॉल बी अपॉन साइन ऑफ कैपिटल बी स्मॉल सी अपॉन साइन ऑफ कैपिटल सी ये रेशियो तीनों सेम होते हैं एज पर साइन रूल इसको आप कांस्टेंट दे सकते हो के या कोई अगर सर्कल से रिलेटेड है सर्कल में इंस्क्राइब तो टू टाइम्स रेडियस कर सकते हो या ऐसे रख सकते हो इसी को आप इन्वर्टेड फॉर्म में भी लिख सकते हो कि साइन ए ऊपर स्मॉल ए नीचे साइन बी ऊपर स्मॉल बी नीचे साइन सी ऊपर स्मॉल सी नीचे इसको ढुके ये भी लिखोगे तो चलेगा ओके okay. यहाँ पर कुछ रिप्लेसमेंट आप कर सकते हो जैसे मैं बोलूं आपको साइन ए की वैल्यू निकालनी है ये ए गया के के साथ मल्टीप्लाई होके ए के आ गया मैंने कहा साइन बी की वैल्यू निकालो साइन बी क्या होगा स्मॉल बी गया के के साथ मल्टीप्लाई होके बी के हो गया साइन सी निकालने बोला साइन सी क्या होगा सी गया K के के पास सी के हो गया तो so, ऐसे कर सकते या तो आप यहां से भी कर सकते हो स्मॉल ए है ये साइन ए गया K के के पास तो के इन साइन ए स्मॉल बी है साइन बी के पास गया तो के इन टू साइन बी स्मॉल सी क्या आ जाएगा ऐसे ही साइन सी के पास गया तो के इन टू साइन तो देखो बच्चों इस तरीके से ये पूरा साइन रूल होता है आप ये तरीके से लिखो या ये तरीके से लिखो समझ में आ रहा है एक मिनट बच्चों अभी ये साइन रूल होता है ठीक है इसी तरीके से कोसाइन रूल होता है कोई जाएगा नहीं यार जाएगा नहीं ऐसी चीज कोई बताएगा नहीं कोसाइन रूल होता है देखो याद करने नहीं बोल रहा हूं मैं मैं बोल रहा हूं आप एकदम सिंपल ट्रिक से एकदम ध्यान रखो आपको लिखने आ जाएगा देखो ए बी सी ये तीन चीजें होती हैं ए बी सी तीन साइड्स होती हैं कोसाइन रूल क्या बोलता है यहां पर जैसे था देखो ये कोसाइन रूल तीन तीन होते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर

इस साइकिल को वापस मैं बना देता हूं यहाँ पर ए बी सी इस तरीके से ठीक है ओके अभी आप बोलोगे कि सर ये तो ए का हुआ बी का करो तो बी क्या करेंगे बी स्क् सी और ए तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फिर माइनस टू है ना बी के बाद क्या आता सी और ए तो अगर बी लिखते हैं उसके बाद आता है सी और ए माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई सी ए फिर कॉस फिर ये जो है बी वो वाला एंगल अगर आप बोलोगे कि सर सी के लिए करो ए तो वैसे ही आ जाएगा C C के बाद क्या आता है ए और बी ए स्वास फिर क्या करोगे टू ए और बी का मल्टीप्लाई ए बी फिर सी का तो सी एंगल हमेशा कॉस के साथ जो है वो कैपिटल लेटर आएगा तो ये कोसाइन रूल हो गया इसी कोसाइन रूल को अलग तरीके से भी लिख सकते हैं बोले तो कैसे तो मैं तुम्हें बताता हूँ समझो कि आपको ये चाहते हो आपकी ये जो ये सी वाला फॉर्मूला है या कॉस ए के लिए मैं फॉर्मूला लिखू तो कैसे लिखेंगे देखो कॉस देखो एकदम ध्यान से कॉस ए के लिए फॉर्मूला लिखना चाहते हो आप इसी को इसी को मैं घुमा रहा हूं देखो हा कॉस ए के लिए फॉर्मूला लिखना है तो यहां से देखो ए के बाद क्या आता है बी और सी तो आप क्या करोगे कॉस ए ना तो यहां पर बी स्क्र प्लस सी स्क्वायर करोगे ए के बाद क्या आता है बी और सी फिर क्या करोगे इस ए के स्क्वायर को माइनस स्मॉल लेटर में अपॉन टू इन टू ये जो बी और सी है इन दोनों का मल्टीप्लाई खतु आप यहां से भी घुमा के ये ला सकते हो या डायरेक्ट भी याद रख सकते हो या तो समझो मैं बोलता हूँ कॉस बी करना है चलो बी के बाद क्या आता है सी बी के बाद क्या आता है सी और ए बी के बाद सी तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या है बी माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू इंटू सी और ए का मल्टीप्लाई तो ऐसे ही कॉस सी का भी आप कर सकते हो जैसे कॉस सी चलो सी के बाद क्या आता है ए और बी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क् माइनस ये सी था तो उसका स्क्वायर टू टाइम्स ए और बी का तो ये हो गया साइन रूल और कोसाइन रूल जो मैंने आपको बताया यहाँ पर ये ट्वेल्थ के अंदर बड़ा काम का चीज है ये आप अच्छे से मैंने बताया कैसे आपको लिखना है अभी प्रोजेक्शन रूल किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर कोई ट्राइंगल है उसके अंदर प्रोजेक्शन रूल क्या होता है देखो आपको हमेशा से याद रखना है ए बी सी वाला कॉन्सेप्ट ठीक है यहाँ पर मैं ये लिख के दिखाता हूं कि अगर समझो ये ए लिखना है ए ए के बाद क्या आता है बी उसके बाद क्या आता है सी तो प्लस करके सी लिखो फिर दोनों में कॉस्ट लगा दो, दोनों में कॉस्ट फिर ये जो सी है वो यहाँ कैपिटल आ जाएगा ये जो बी है यहाँ कैपिटल आ जाएगा नहीं समझे फिर से समझो मैं बी के लिए करता हूं अब बी के बाद क्या आता है सी और ए तो यहां पर सी लिख दो प्लस ए दोनों में कॉस ये जो एंगल ए है वो यहां आ जाएगा ए का एंगल ए सी का एंगल सी यहाँ पर एंगल हमेशा कैपिटल लिखा और समझो सी के लिए करना है यू वॉन्ट टू डू फॉर सी सी के बाद क्या आता है ए और उसके बाद बी आता है ए और उसके बाद बी आता है तो दोनों में क्या करेंगे कॉस्ट लगा देंगे यहाँ पर कॉस्ट लगा देंगे दोनों में कॉस्ट लगा देंगे ए है तो यहाँ पर कैपिटल ए ये बी है तो यहाँ कैपिटल बी इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन रूल तो ये ट्वेल्थ में है प्रोजेक्शन रूल तीन रूल इंपॉर्टेंट होते हैं साइन रूल कोसाइन रूल प्रोजेक्शन रूल ओके चलो कोई बात नहीं है? आगे जाते हैं एक होता है सूत्र आपने सीखा था वो तो आठवीं में ही सीखा है आपने कि ट्राइंगल ए बी सी का जो एरिया होता है रूट में एस 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 माइनस 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 ए बी सी है तो अभी फिलहाल इस साल कोविड की वजह से ये डिलीट हो गया ऐसा कंसेप्ट आपको नहीं आएगा एस मतलब पेरीमीटर होता है पेरीमीटर मतलब कि अगर कोई ट्राइंगल है इस ट्राइंगल के तीनों साइड ए बी सी है तो पेरीमीटर होता है एस मतलब ट्राइंगल के तीनों साइड को प्लस करके हम डिवाइड बाई टू करते हैं तो आपको सेमी पेरीमीटर होता है एस मतलब सेमी पेरीमीटर और पी फॉर पेरीमीटर पी क्या होता है ए बी सी को प्लस किया तो पेरीमीटर आता है और एस क्या होता है पेरीमीटर का आधा होता है सेमी पेरीमीटर होता है ओके ये टू यहाँ पर आया तो टू इन टू एस हो जाएगा ये देखो ए प्लस बी प्लस सी टू एस हो गया तो इस तरीके से चीज़ें हैं और देखते हैं आगे <coughs> बहुत सारी चीजें डिलीट हो गई है वो नहीं बता रहा हूं आपको मैं चलो ठीक है अब देखो यहाँ पर इनवर्स ट्रिकोनोमेटिक फंक्शन सीखना है कि अगर अंदर साइन इनवर्स है बाहर साइन है और ये एंगल एक्स है तो कैसे सॉल्व करना तो बच्चों बड़ा आसान होता है ये बाहर साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं ओके और एंसर सिर्फ एक्स आएगा लेकिन आपको कैंसिल करके दिखाना नहीं चाहिए क्योंकि ये फंक्शंस है फंक्शंस का इनवर्स है ये फंक्शन साइन का इनवर्स है उसका वापस साइन करेंगे तो वही आ जाएगा ओरिजिनल

हमेशा माइनस वन और वन के बीच में होती है ये याद रखना है आपको थीटा का भी यही होता है माइनस वन और प्लस वन के बीच में होता है अगर आपने निकाल दिया है कि साइन थीटा इज इक्वल टू टू इसका मतलब गड़बड़ हो रहा है साइन थीटा की वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में होना चाहिए कॉस् थीटा की वैल्यू भी माइनस वन और वन के बीच में होना चाहिए तो वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है ओके तो इसको याद रखना है हु?

वैसे ही सेक्स सेक, सेक इनवर्स बाहर सेक इनवर्स अंदर सेक है क्वाट है क्वॉट इनवर्स है क्वाट इनवर्स क्वाट है तो ये आंसर जो एंगल बचता है ना ये वही आ जाएगा एक्चुअल में यहाँ पर ये इनवर्स में एंगल नहीं बोलते उसको ठीक है तो इस तरीके से है नेक्स्ट खत्म हो रहा है लेक्चर बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम ध्यान से देखना जैसे मैंने आपको बताया था कि साइन का भाई क्वेश होता है तो भाई कभी तो कोशिक इनवर्स वन अपॉन एक्स रहे ना आप चाहते हो वन को हटा दे वन अपॉन को कोशेक तो को, को साइन इनवर्स कर सकते हो और ये एक्स आ जाएगा वैसे ही कॉस इनवर्स सेक इस वन अपॉन एक्स से आप चाहते हो वन अपॉन हटा दें तो सेक को कॉस इनवर्स करो ये आ जाएगा वैसे ही टैन इनवर्स कॉट इनवर्स है जैसे कि कहना क्या चाहते हो सर समझो बेटा यहाँ पर कॉट इनवर्स यहाँ पर कॉट इनवर्स समझो कि वन अपॉन थ्री है इसको आप क्या कर सकते हो इस कॉट को आप टैन इनवर्स कर सकते हो और यहाँ पर थ्री लिख सकते हो ये 1 अपॉन हट जाएगा कोट इनवर्स का टेन इनवर्स हो गया तो ये कोट का टेन होता है टेन का कोट होता है कॉस का सेक सेक का कॉस साइन का कोसेक और कोसेक का साइन होता है इस तरीके से है हम इनवर्स में देखो यहां पर कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आपने सीखा था कि यार sin ऑफ थीटा होगा या cos ऑफ थीटा होगा मैंने अभी बताया था कि cos माइनस को खा जाता है खबर होता है तो यहाँ पर कॉस थी थीटा आएगा माइनस गायब हो जाएगा लेकिन साइन नहीं खा पाता तो माइनस साइन थीटा हो जाता है लेकिन अगर इनवर्स होगा तो क्या होगा इनवर्स में क्या होता है इनवर्स में देखो बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पर कि साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस साइन इनवर्स के बाहर आ जाएगा टुपुक करके बाहर आ जाएगा कॉस इनवर्स माइनस है देखो कॉस जो है माइनस को खा जाता था यहाँ पर क्या होगा कॉस इनवर्स का इनवर्स होगा माइनस आ जाएगा बाहर बट पाई माइनस आ जाएगा पाई माइनस आ जाएगा वैसे ही यहाँ पर सेक होगा इसका का जो भाई सेक होता है उसमें भी सेक इनवर्स अगर है है पर तो ये पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स आ जाएगा और कॉट इनवर्स माइनस एक्स में भी होता है पाई माइनस आता है तो तीन लोगों को आता है कॉस सेक और कॉट देखो कॉस सेक और कॉट ये तीनों में पाई माइनस आ जाएगा जो साइन इनवर्स है तो माइनस बाहर आ गया टैन इनवर्स है माइनस एक्स तो माइनस बाहर आ गया इस तरह से कोशिक इनवर्स है माइनस एक्स तो माइनस बाहर आ गया इस तरीके से इसमें क्या होता है कि कॉस सेट में पाई माइनस आएगा बाकी सब में माइनस बाहर आएगा कोई भी नहीं खाएगा किसी को एक बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी होती है इनवर्स टिग्नोटी फंक्शन की कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स को प्लस करेंगे तो 90 डिग्री आता है वैसे ही, tan inverse और और को को करेंगे करेंगे तो 90 आ कोशिक inverse और inverse को प्लस करेंगे तो आता है। है। कहना क्या चाहते हो सर सीधी सी बात है आपको सीखना कि बेटा साइन इनवर्स एक्स है प्लस इनवर्स एक्स है तो इसका आंसर फाइव बाई टू यानी 90 डिग्री आएगा वैसे ही टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का भी आंसर नाइन्टी आएगा वैसे ही सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स अगर कभी मिल गया तो इसका आंसर भी 90 आता सीधा इसको हटा देने का 90 लिख देने का खत्म हो गया भाई लास्ट की स्लाइड्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पर एकदम ध्यान से देखो यहाँ पर एकदम इंपॉर्टेंट है टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनवर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखो यहाँ पर अगर ये दोनों टैन इनवर्स है तो टैन इनवर्स हम क्या करते हैं ये जो एक्स और वाई है इन दोनों को प्लस कर देते हैं और वन माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं टैन इनवर्स एक बार लिखते हैं। लेकिन अगर दोनों के बीच में माइनस है तो टैन इनवर्स को एक बार लिख देंगे बाहर और ये एक्स और वाई को माइनस कर देंगे और यहाँ पर वन प्लस एक्स इन वाई कर देंगे ऊपर माइनस तो नीचे प्लस ऊपर प्लस तो नीचे माइनस ये टैन इनवर्स दो बार अगर रहे तो दोनों का प्लस और माइनस करने का फॉर्मूला होता है तो यहां पर बच्चों हो गया खत्म तो इतने सारे ट्रीको की चीजें थी जो मैंने आपको बताई होप्सो आपको समझ में आया होगा यहाँ पर इतना जो सीख लेगा ना उसका बहुत अच्छे से इलेवेंथ ट्वेल्थ जेई सी टी सब अच्छे से निकल जाएगा आगे चल के इंजीनियरिंग वगैरह में भी ये बहुत काम आएगा ये सारे फॉर्मूले मैंने बताने की कोशिश की आपको यहाँ पर ओके ये पीपीटी जो है हम टेलीग्राम में शेयर कर देंगे आप अगर हमारे किसी भी टेलीग्राम ग्रुप में हो सक्सेस बैच में हो आरम बैच में हो कहीं पे भी हो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी वहां से उसमें आ जाओ और ये हो जाएगा यहाँ पर लगभग डेढ़ घंटे का ये क्लास हो गया नौ बज गए रात के बहुत से बच्चे भग गए ओके लेकिन आप अभी भी साथ में बने हो डेढ़ घंटे से लगातार देख रहे हो आपके लिए मैं ताली बजाता हूँ यार यू आर वेरी डेडिकेटेड स्टूडेंट और मुझे ऐसे ही स्टूडेंट्स की जरूरत है जो सीखना चाहते हैं जो रोज सीखना चाहते हैं सकते नहीं है और पढ़ना चाहते हैं एंड प्राउड ऑफ यू माई स्टूडेंट्स ओके अगर आप सीखना चाहते हो तो आप बताते रहो आप क्या सीखना चाहते हो मैं आपके लिए लेके आऊँगा लेकिन कुछ बच्चे जान के सीखने का बहाना करते हैं बोलते हैं कि हम सीखना चाहते हैं और जब मैं लेक्चर लेता हूँ तो आते नहीं है तो आप वैसा मत बनना ओके okay, और ये लेक्चर बहुत काम आएगा मैंने डेडिकेशन के साथ पूरा अच्छे से बताने की कोशिश की है और ये अभी चैनल पर सेव रहेगा आप बाद में भी कभी भी इसको देख सकते हैं इसका जो पीपीटी है उसकी लिंक में गूगल ड्राइव की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि अगर बाद में भी कोई देखे तो गूगल नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक रहेगी उसको आप डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हो आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप जो है इस आ, पीपीटी के जरिए अपना खुद का हैंड रिटर नोट्स बनाना सारे फॉर्मूले को एक दो पेज पे आगे पीछे करके दो तीन पेज का खुद का बना ताकि आप जब भी पढ़ने आओ आपको आसान लगे ओके कल से इलेवेंथ और सी के जो भी लेक्चर्स है वो रिज्यूम हो रहे हैं जो टाइम टेबल था उसके हिसाब से ओके मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को सी आएगा और डेली जो हमारा सवा सात बजे का टाइम होता है वहां पर इलेवेंथ का लेक्चर आएगा कल से ओके हमारा पेन नया आ चुका है पेन ख़राब हो गया था मैं लिख नहीं पा रहा था बोर्ड पे अब हमारे पास नया पेन आ चुका है और इससे बहुत अच्छे से आपने देखा कि आज कोई इश्यू नहीं हुआ तो अब लेक्चर रिज्यूम हो रहे हैं पेन की वजह से लेक्चर रुका था अब सारे लेक्चर आएंगे ओके सो बाय एवरी वन टेक केयर बाय 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 बच्चों, मिलते हैं अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना इस लेक्चर को सभी जगह पर शेयर करना ओके बाय बाय बाय